असलम एंड वेलकम बैक टू दी माई अनदर न्यू वीडियो तो आज की वीडियो में मैं बेबी बॉय की जो ओल्ड प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे नाइन मंथ तक की जो एफ एच आर है वो कितनी थी और कैसे कैसे चेंज होती गई वो सब कुछ बताने वाली हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे रिपोर्ट्स हैं तो फर्स्ट वन जो रिपोर्ट्स है वो है फर्स्ट मंथ की जो कहें यहाँ पर आप देख रहे होंगे थ्री वीक्स सॉरी थ्री मंथ या नाइन वीक्स फोर डेज़ की है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फीटल की जो एफ एच आर है वन सेवेंटी फ़ाइव वन सेवेंटी फाइव ये थ्री मंथ में वन सेवेंटी फाइव आई है और बेबी बता दो ये देखिए इट्स अ बेबी बॉय तो ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ मैं तो ये रही फिफ्थ मंथ की जो कि ट्वेंटी फाइव वीक्स में आई थी बेबी बॉय की जो आ, स्कैनिंग रिपोर्ट में वो यहाँ पर देखिए अब थ्री मंथ में वन सेवेंटी फाइव आई थी और यहाँ पर देखिए फिफ्थ मंथ में वन फिफ्टी सिक्स आई है ये देखिए इट्स अ बॉय बिकॉज ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं तो इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ मैं तो थ्री मंथ्स में यहाँ पर वन सेवेंटी फाइव और फिफ्थ मंथ में देखिए वन फिफ्टी सिक्स और ये रहे बेबी इट्स so बॉय अब बताती हूँ मैं आपको दूसरी रिपोर्ट जो कि है फोर्टी सिक्स वीक्स की जो कि सेवन मंथ से कुछ आसपास हो सकती है तो एग्जैक्ट नहीं पता उस लिए भूल गई इस वक्त उस लिए बोल रही हूँ ऐसा तो इस रिपोर्ट में आपको बेबी की ये सेवन मंथ अराउंड हो सकती है तो बेबी की एफ एच आर बता दूँ तो ये देखिए वन फोर्टी एट बीट पर मिनट जी हाँ इट्स अ बेबी बॉय बिकॉज मेरे बेबी दो बॉयज़ हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो दोनों के टाइम प्लेसेंटा सेम ही था तो आपको दूसरी और एक स्कैनिंग रिपोर्ट है वो बताती हूँ फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो ये रही लास्ट जो स्कैनिंग रिपोर्ट थी जो कि मैंने नाइन वीक्स में कराई थी सॉरी नाइन मंथ में कराई हुई थी ना इट्स ए नाइन मंथ तो ये फोर्टी ये थर्टी एट वीक्स फोर्टी वीक्स को नाइन मंथ कंप्लीट कहा जाता है मगर मुझे नाइन मंथ इस वक्त स्टार्ट हो चुके थे तो आपने अभी तक तीन रिपोर्ट्स में देखा कि बेबी की एफएचआर कैसे कैसे चेंज होती गई एकदम फर्स्ट मंथ में ग्रो हुई सेकेंड मंथ में थोड़ी कम हुई फिर थर्ड um, यानी थर्ड रिपोर्ट में थोड़ी कम हुई या फोर्थ रिपोर्ट में बिल्कुल ही ज़्यादा कम दिखाई दे रही है देखिए एफ एच आर वन थर्टी एट बीट पर मिनट तो ये रही मेरी यू एस जी डी डी डेट जो कि इसी डेट को डिलीवर हुए इसी डेट के आसपास डिलीवर हुए थे इट्स अ बेबी बॉय एंड आई डिलेवर बाई सी सेक्शन डिलीवरी जी हाँ तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी रीज़न यह है कि आपको इसी रिपोर्ट में इसी लास्ट रिपोर्ट में आपको रीज़न यहां दिख जाएगा बिकॉज ऑफ़ मेरा जो एम्यनिक फ्लूड था वो कम हो चुका था यहाँ पर देख रहे हैं फाइव सी एम एस सी अगर टेन होता तो शायद मेरी सी सेक्शन डिलीवरी नहीं होती बिकॉज ऑफ मेरा जो पानी था वो बहुत ही कम हो चुका था आधे से भी ज़्यादा कम हो चुका था डॉक्टर ने कहा था तो इसी वजह से इमीडिएटली जब ये मेरा स्कैन हुआ उसी टाइम पे शायद दोपहर के तीन या चार बज रहे होंगे बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल में बहुत रश था तो इसीलिए मैं फ़ाइव ओ को एडमिट हो गई थी मेरा मैं तो वहीं रह चुकी थी मगर सी सेक्शन के लिए प्रॉपरली जो इंजेक्शन वगैरह ड्रिपें वगैरह सब कुछ मुझे फाइव ओ को लग चुके थे एंड फाइव थर्टी को मेरा सी सेक्शन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है फोर्टी एट वीक सॉरी थर्टी एट वीक्स में हुआ तो मुझे डर हो रहा था कि कहीं प्री मेच्योर बेबी तो नहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं मगर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मेच्योर बेबी फोर के जी को चुप थोड़ा ही कम होगा वेट अराउंड डेट के हिसाब से उस दिन डिलीवर हुआ जो और जो बेबी की ग्रोथ वग़ैरह के हिसाब से डॉक्टर से जब हमने पूछा कि जल्दी डिलीवर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी है कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका बेबी का वेट काफ़ी अच्छा था अभी आपकी ये रिपोर्ट्स के और ये डेट के हिसाब से जल्दी हो गया तो भी मगर बहुत अच्छा था अलहमदिल्ला तो आपने देखा ये नाइन मंथ में बेबी का एफ एच आर वन थर्टी एट और ये सेवन मंथ के अराउंड यहाँ पर देखिए बेबी का एफ एच आर वन फोर्टी एट और फिफ्थ मंथ के अराउंड की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वन फिफ्टी सिक्स और थ्री मंथ की बात करूँ तो ये देखिए वन सेवेंटी फाइव तो आपने देखा कि ऑल रिपोर्ट्स में बेबी की जो हार्ट रेट है वो किस तरीके से एकदम हाई हुई लो हुई लो हुई लो हुई ऐसे चलते जा रहे तो एग्जैक्ट कुछ कहा नहीं जाता है मैंने अपने दोनों बॉयज़ की जो एफ एच आर है वो शेयर कर रखी हूँ ऑलरेडी दूसरे वीडियोज़ में जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है अब वहाँ जा कर विजिट कर कर देख सकते हैं तो डेली वीडियोज़ बनाना है बिकॉज़ कई ऐसी मॉम्स हैं जो जानना चाहती हैं उनकी हेल्प करना यही इंटेंशन से मैं अपना चैनल बनाकर अपनी ओन प्रेगनेंसी की जो एक्सपीरियंस की जर्नी है उसको शेयर करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं तो मेरे चैनल का हिस्सा बनना लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़ रहे, खुश रहें खुशियाँ बाँटें अपनी प्रेग्नेंसी के लाइफ को अच्छे से इंजॉय हैप्पी मदर हैप्पी बेबी हेल्दी है मदर हेल्दी बेबी बाय स्टे सेफ